we are providing online one-to-one PTE coaching with authentic practice material. After enrolling in our PTE courses, you will get continuous material updates for next 6 months. For more information, visit our website, careercoves.com, or WhatsApp us on given numbers. Hi guys, this is Diljit Kaur from Career Cove. So, couple of days back, मैंने एक grammar के related video upload की थी channel पे. तो मेरे को काफी students के message आए कि they want this video in Hindi as well. So मैं उन student के लिए जो हिंदी में इसको देखना चाहते हैं, मैं हिंदी में बना रही हूँ. तो so I will explain the same thing but in Hindi. So I'm gonna discuss कुछ grammar rules हैं जो बहुत helpful रहते हैं PT में, not just even for your reading section, but it's gonna help you in your listening and your writing section as well. Overall, it will be very helpful in PT. So सबसे पहला rule है noun. So noun क्या होता है? Noun होता है किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, कोई कंसेप्ट हो और कोई ऐसी चीज जो आपको उस सेंटेंस में बता रही है कि हु इज देयर और व्हाट इज इट अबाउट, तो वो होता है नाउन. ये हर सेंटेंस में आपको मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और ये आर्टिकल्स के बाद आता है काफी बार. सो जैसे द, ए और एन के बाद, और ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, इट कैन बी इन प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं. उसके अलावा इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होते हैं. तो ये कलेक्टिव है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं इसको. बाकी जरूरी नहीं है कि जैसे किसी पर्टिकुलर चीज का और जगह का ही नाउन हो सकता है. देर आर सम वर्ड्स जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इन वर्ड्स के साथ एंड होता है जिनका, तो वो भी एज ए नाउन कंसिडर किया जाता है, जैसे एज, लैंग्वेज हो गया, पोस्टेज हो गया, एंस हो गया, जैसे ई एन सी ई आर ओ आर, ये जो सारे मेंशन कर रखे हैं लास्ट सेंटेंस में, तो ये जिन वर्ड्स के पीछे आता है तो ये वर्ड्स कंसिडर करे जाएंगे एज अ नाउन. क्या, तो जो भी ऐसा आपको कुछ लगे सेंटेंस में तो दैट इज नाउन. तो अगर आपको नाउन वर्ब्स का इसका नॉलेज है तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप अच्छे से रीडिंग का फिलअप सोल्व कर सकते हो. एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, क्रिटिक्स ऑल्सो टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू रिकाउंट द प्लॉट्स ऑफ बोथ बैलेट पैनोरमास एंड ओपेरास इन देयर रिव्यूज ऑफ प्रीमियर्स. एंड अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो फेमस के बाद फिलअप है, तो फेमस के बाद फिलअप, फेमस इज अ एडजेक्टिव हियर, तो परफॉर्मर है जो प्लूरल फॉर्म में है, परफॉर्मर, एक परफॉर्मर, परफॉर्मर्स मतलब एक से ज्यादा वाला जो अपना कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो परफॉर्मर्स प्लूरल है, फेमस है, ऑब्वियस है कि एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद नाउन की प्रोबेबिलिटी होती है, तो देयर शुड बी अ नाउन. तो परफॉर्मर कैन बी कंसिडर्ड एज अ नाउन हियर. ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकेंड वन, वर्ब क्या होता है. कोई भी चीज जो हम कर पाते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं, कोई भी फिजिकल एक्शन, व्हाट वी कैन डू, खाना पीना, सोना, भागना, पढ़ना, ये सब वर्ब्स हैं, एक्शन हैं. ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है. जो हम बाहर से कर सकते हैं दैट इज लाइक योर एक्सटर्नल वर्ब हो गई, अंदर से सोचना जैसे हो गया है ना, वट एवर, अग्रेसिव, गुस्सा, ये चीजें अंदर वाली हैं, तो वो है हमारा इंटरनल वर्ब. तो ये हर सेंटेंस में वर्ब होता है और पीटी में हमेशा वर्ब ही ज्यादा फिलअप की उसमें आता है. तो आपको पता होना चाहिए उससे फिलअप से पहले क्या लगा हुआ है, कोई जो हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव हैड, अकॉर्डिंगली आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है. ठीक है, इसमें जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रनाउन के साथ आते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो क्या कर रहा है. तो उसमें छह तरह की वर्ब्स होती हैं, बेस फॉर्म हो गई, इन्फिनिटिव हो गई, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जेरंड हो गया. तो इसमें क्या करना होता है, जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में सिंपल वर्ब होता है, जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, इन्फिनिटिव होता है, टेल देम नॉट टू प्ले, तो ये इन्फिनिटिव है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है. द पास्ट टेंस में क्या रहता है, दैट थिंग हैज बीन हैपन लाइक यस्टरडे, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव ईटन अ बर्गर, दैट थिंग ऑलरेडी हैज बीन हैपेंड. प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे, सो दे आर टॉकिंग अबाउट टुडे, तो यहाँ पे सो आ गया जैसे, है ना, प्लेइंग आ गया. तो जेरंड है जो, वो भी बहुत पॉपुलर है. अभी कई स्टूडेंट कहते हैं कि फिलअप के स्टार्टिंग में तो, सॉरी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो नाउन आना चाहिए, व्हाई देयर इज अ वर्ब,
तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है जेरेंड की। तो जेरेंड में ऐसा रहता है कि अगर कोई सेंटेंस है, जैसे है ना स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसी कोई दे रखा है, फिलअप दे रखा है इन द बिगिनिंग, सो देयर कैन बी अ वर्ब एज वेल। तो स्विमिंग विद आई एन जी, दैट इज अ वर्ब विद आई एन जी, तो ये पहले नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में, द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, तो स्ट्रॉन्गली इज एट वर्ब, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ अट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अट्रैक्टेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसमें अगर आप सेकंड वाला देखोगे तो न्यूक्लियस कैन बी फोर्स्ड आउट, तो कैन बी अगर कोई मॉडल आता है जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, जहाँ पे भी बी आ जाए, बींग आ जाए, टू बी आ जाए, तो देयर शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फोर्स्ड है जो, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव पैसिव वॉइस क्या रहता है, अभी स्टूडेंट को रहता है कि अगर इज एम आर वॉज वर्ब लगा है तो आई एन जी लगेगा, हैज हैव हैड लगा है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, बट ये जो पैसिव वॉइस होते हैं तो मोस्टली आते हैं पीटी में रीडिंग सेक्शन में, तो इसमें क्या रहता है, इसमें इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म रहता है इसमें हमेशा, कुछ भी हो देयर शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव होता है जिसमें ये सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो एक्टिव होता है, और जब एक्शन इज इनडायरेक्टली परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट देन वो बन जाता है पैसिव वॉइस। सो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर चेक द पेशेंट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेक द पेशेंट, उसमें हम पैसिव में उसका उल्टा इंडायरेक्ट कर देते हैं, द पेशेंट वॉज चेक्ड। अभी चेक्ड इज द थर्ड फॉर्म हियर, वॉज लगा दिया क्यों, क्योंकि डॉक्टर चेक्ड वो सेकेंड फॉर्म में है चेक वहां पे, तो दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हाँ, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे इज लगता, इज चेक्ड, द पेशेंट इज चेक्ड। नेक्स्ट वन द एग्जाम्पल, द एडवर्ब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब तो बहुत बार आता है, एक एक दो फिलअप तो ऐसा होता ही होता है जिसमें एडवर्ब होता है पीटी में, तो इसमें एडवर्ब क्या रहता है, जैसे वर्ड ही बोल रहा है, एड वैल्यू टू वर्ब, तो ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, तो ये क्लियरली बताता है कि कोई काम अगर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, स्लोली हो रहा है, फास्ट, कैसे भी हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट उसको मॉडिफाई करके बताता है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो भी इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, बट जो एडवर्ब है वो ज्यादा पॉपुलर है पीटी में, तो जो एनी वर्ड दैट एंड्स विद एलवाई कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडवर्ब, तो जैसे स्ट्रांगली हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया, यूजली हो गया, तो कोई भी वर्ड, ये हमेशा वर्ब के पहले आता है, और कुछ केसेस में ये वर्ब के पीछे भी आता है, तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। अभी एडजेक्टिव जो होते हैं ये यूजली क्या डिस्क्राइब करते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट एक्सटेंट इट अकर्ड, कोई भी चीज है जो, तो जो एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के बीच में भी आता है, वर्ब के बाद में भी आता है, और कहीं पे भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको पीटी में दिखे जिसका सेंस बन रहा है विदाउट फिलअप, ट्राई टू पुट एडवर्ब ओवर देयर, तो वहां पे एडवर्ब आएगा हमेशा, क्योंकि इसकी अपनी खुद की कोई यू कैन से इसकी कोई वैल्यू या पहचान नहीं होती, इट ऑलवेज कम और मेक लाइक जो वर्ब होती है उसको वैल्यू देता है, उसको अच्छे से मॉडिफाई करके बताता है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट स्टेटमेंट है, इट इज बट इट कैन ऑल्सो पोज प्रॉब्लम्स इन बीइंग यूज्ड इम्प्रॉपरली, जो इम्प्रॉपरली है दैट इज एडवर्ब हियर, जो यूज है वो वर्ब है, वर्ब के बाद इम्प्रॉपरली आया है, तो ये है एडवर्ब की एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रॉफी। तो कई बार क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी दे रखा होता है तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज के ये नाउन है कि ये नाउन है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैरीज बुक, अभी मैरी नाउन है कि बुक नाउन है, सो इसमें क्या है, ये ग्रामेटिकल रूल है, इसमें जब अगर कोई भी अपोस्ट्रोफी ऐसा होता है तो जो उसको फॉलो कर रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज अ नाउन, तो उसको एज अ नाउन माना जाता है, जैसे मैरिज बुक, तो यहाँ पे बुक है जो वो नाउन है, नॉट मैरी, जोन्स कार, कार इज अ नाउन हियर, बट कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं जहाँ पे इम्प्लाइज किया जाता है, जैसे डॉग्स बार्किंग, तो बार्किंग इज नॉट अ नाउन हियर, सो डॉग्स इम्प्लाइज बार्किंग, ओके, सो द टीचर इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर, टीचर्स की इम्प्लाइज क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस, तो हियर इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ नाउन। नेक्स्ट वन इज अबाउट हैज हैव हैड, तो हैज हैव हैड भी बहुत पॉपुलर है पीटी में, मोस्टली ये भी आता है, तो जब भी आप फिलअप कर रहे हो तो हमेशा एनालाइज किया करो कि फिलअप के पहले क्या दे रखा है, फिलअप के बाद में क्या दे रखा है, हम क्या करते हैं, जस्ट वी रीड इट एंड वी जस्ट स्ट्रेट अवे ट्राई टू फाइंड द आंसर, दैट्स नॉट करेक्ट वे टू डू द क्वेश्चन, अप्रोच सही होनी चाहिए आपकी, इतने हार्ड क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस नहीं होते, आपको जस्ट उसको एनालाइज करना और उसको करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हैज हैव हैड है जो वो हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव, इसके साथ थर्ड फॉर्म ही आता है, जैसे ही हैज ईटन लंच, ईटन इज अ थर्ड फॉर्म।
अगर पास्ट परफेक्ट लगाओगे तो उसमें हेड आता है, तो हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, दैट हैज बीन डन, तो वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस की कैटेगरी में आएंगे. और ये जो सर्टेन टाइम में कोई चीज हो गई है उसको उसको रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ब यूज किया जाता है. जैसे प्लास्टिक हैज ट्रांसफॉर्म्ड, अभी हैज प्लास्टिक हैज ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इज अ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैज को बाद थर्ड फॉर्म आएगी. और अगर अभी स्टूडेंट पूछते हैं अगर सारी थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो इसमें अगर सारी थर्ड फॉर्म दे रखी है तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी. वोकैब में भी बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उसको इम्प्रूव करने का एक तरीका है कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट ले ली उसको क्रैम कर लिया. देयर इज सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. आप कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू नोट इट डाउन, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, नोट इट डाउन. दैट इज द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर वोकैब. क्योंकि अगर आप उसको किसी स्टोरी में इन्वॉल्व होके सीखोगे तो वो आपको आपके साथ ज्यादा टाइम के लिए रहेगी. सो इट्स बेटर टू लर्न लाइक दैट. नेक्स्ट वन इज योर कभी has, have, had है, वो वर्ब विद आई एन जी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ भी आ जाता है. तो इसमें क्या है, इसमें अगर has been और had been है वो आई एन जी के साथ कब आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कब आता है. अभी जैसे has been और have been है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है. एंड इसमें ऐसे होता है कि कोई चीज पहले से स्टार्ट हो रखी है, पास्ट में अभी भी चल रही है और मे बी फ्यूचर में भी चलेगी. ठीक है, तो इसमें जैसे शी हैज ईटन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और भी हैड बीन ऑलरेडी हैज बीन डन, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. इसमें क्या रहता है, जो पहले हो रहा था पास्ट में, ठीक है, आप कुछ हद तक वो हुआ पास्ट में, एंड ये हमेशा हैड बीन के साथ ही कंसिडर किया जाता है. जैसे दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस, वो कर रहे थे बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, कब, जब वो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे हैड बीन आएगा विद आई एन जी. अभी कई बार इस थर्ड फॉर्म में भी आ जाते हैं तो वहां पे इसको एज अ पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाते हैं. तो हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन, ये तीनों फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आते हैं. इसको एज अ इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव टेंस में कंसीडर किया जाता है. पैसिव, पैसिव तो वैसे में हमेशा थर्ड ही फॉर्म आती है. सो द बुक हैज बीन रेड, अभी बाय, बाय वर्ड जो होता है ना वो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो जहां पे भी आपको बाय नजर आ रहा है ना, सो इट मींस वहां पे आपको सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी. नेक्स्ट वन हैड बीन है, वहां पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे बाय द टाइम आई अराइव्ड द केक हैड बीन ईटन, तो जो चीजें हैं पास्ट में वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जबकि पहला जो पिछला पास्ट टेंस जो अनदर पास्ट एक्शन है वो हुआ. नेक्स्ट वन इज यू कैन से इन समरी हैज बीन एंड हैड बीन आर यूज्ड विद बोथ आईएनजी फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट द यूसेज डिपेंड ऑन द टेंस एंड वेदर यू आर फॉर्मिंग एक्टिव और पैसिव टेंस. अभी और एक्टिव और पैसिव टेंस पे, अभी एक्टिव चलता है तो आईएनजी के साथ आता है, अगर पैसिव टेंस आएगा तो वहां पे वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी विद वर्ब विद आई जो हैज बीन और हैड बीन और हैव बीन है उसके साथ थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. नेक्स्ट वन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद वाज वर इज एम. अभी ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे मैंने बताया एक्टिव पैसिव वॉइस में, द मंकी ईट्स मैंगोज, मैंगोज वर ईटन बाय मंकी, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बाद इनडायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बन के उसको इम्प्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वर्ब विद आई एन जी इन कंटिन्यूअस टेंस. अभी कंटिन्यूअस टेंस में रहता है कि अगर कोई मान लो आपको सेंटेंस दिया है जिसमें एक फुल स्टॉप एट द एंड है, कनेक्टर यूज नहीं कर रखे, कॉमा डाल डाल के उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया एक बड़ा सा, तो अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है तो उसमें कई बार कॉमा के बाद एक वर्ड जो भी वर्ब आती है वो आई एन जी के साथ आती है. यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा गलत आंसर देते हैं, वो नाउन उठा के डाल देते हैं, दे थिंक कि हाँ कॉमा के बाद नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट, ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो इसमें जो फर्स्ट आएगा वो वर्ब विद आई एन जी ही आएगा. तो यहाँ पे जैसे जॉन इज वर्किंग हार्ड, adding to this he has other things to do, so adding aa gaya verb with ing. next one is master grammar rule, isme bahut students struggle karte hain. the first thing isme ye wala jo hai jo aap essay summary written text spoken aur jo write from dictation aur listening fillers mein helpful rahega, yahan pe hamesha ye present indefinite tense rehta hai jahan pe bhi ek cheez jaise he she it, kisi ka naam johan sham, agar kuch bhi aisa aata hai to uske sath jo verb lagti hai uske sath ses aata hai, jaise he eats एक है ही इट्स, अगर दे होता तो ईट होता, एक है ही है तो इट्स, वर्ब के साथ एस, शी रीड्स, पीपल होता तो रीड होता, एक चीज जो आती है उसके साथ एस ई एस आता है. ये बहुत हेल्पफुल रूल है
जैसे ये सेकंड फिलर बता रखी है, दिस सरफेस एंड डेप्थ राइजेस टू द सरफेस एंड इरप्ट्स थ्रू अ वॉल्केनो, तो इरप्ट्स में एस डाल रखा है. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल. आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल में क्या रहता है, आर्टिकल में हमारे पास ए एंड द आर्टिकल होते हैं, जिसमें ए और एन होता है वो एक चीज के साथ आता है, द जो होता है वो किसी स्पेसिफिक के साथ आता है. अभी कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, दे स्ट्रगल अलॉट इन दिस वन, बट मैं ये बोलूंगी कि जो एन होता है वो ज्यादा पॉपुलर है पीटी में, वो फिलअप से पहले एन देते हैं. तो आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो वोवल के साथ स्टार्ट होता है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पहले द द द इज जो यूज होता है वो किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है. जैसे दो लिसनर, दो बंदे हैं, तो एक लिसनर है और रीडर व्हाटएवर, तो वो दोनों को अगर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पता है तो वहां पे द लगता है. जैसे द कैट इज ऑन द रूफ, तो दोनों बंदे उस कैट को दे नो अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई दे आर रेफरिंग द कैट. तो द कैट इज अ, यहाँ पे द यूज होगा कैट के लिए बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक नाउन. अभी इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, जो कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड के साथ आता है वो ओ होता है. और दूसरी चीज आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अगर वॉवल हैं जो ए ई आई ओ यू के साथ आते हैं वो एन के साथ आएंगे, बट जो लेफ्ट ओवर इन पांच अल्फाबेट को छोड़ के बचे वो सब अ के साथ आते हैं अगर सिंगुलर है तो. एंड इवन जिनका जरूरी नहीं है कि जो ए ई आई ओ यू के साथ स्टार्ट हो रहा है वही एन के साथ आएगा, कुछ तो ऐसे वर्ड जिनका साउंड भी वॉवल के जैसा है वो भी आते हैं एन के साथ, जैसे एन आर एन ओनेस्ट मैन. तो ये जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को इन जनरल और नॉन स्पेसिफिक वे में. जैसे आई सो अ डॉग इन द पार्क, तो रेफरिंग डॉग इज एनी डॉग, तो यहाँ पे अ लगा दिया. अगर उसके बारे में पता होता सबको तो द डॉग लगता, नॉट अ स्पेसिफिक वन. अगर कई बार आर्टिकल्स बहुत आर्टिकल फालतू के यूज कर लेते हैं, कहीं पे भी द लगा दिया ऐसे वैसे, तो उसको भी ध्यान रखो, दैट इज अ ग्रामेटिकल एरर. तो आर्टिकल की हर बार जरूरत नहीं होती. अगर आप प्रेफर कर रहे हो प्लूरल या नॉन कॉमन नाउन को इन जनरल सेंस, देन देयर इज नीड. बट एग्जांपल है जैसे डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, तो डॉग्स एक जनरल है, जनरल फॉर्म में जरूरत नहीं होती. एंड द चॉइस ऑफ आर्टिकल डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है, कंटेंट कैसा है, स्पेसिफिक नाउन क्या रेफर कर रहा है. जैसे कोई यूनिक चीज आती है जैसे दी सन दी मून, ये यूनिक चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके इसके सामने द आता है. ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे स्पेसिफिक प्लेसेस, द पार्क, तो उसमें दो आते हैं. अभी जैसे सेकंड में लगाया हुआ है इट्स एन ऐप नेम, तो जो ऐप है वो ए के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वो एन के बाद आएगा क्योंकि वो वर्बल है. नेक्स्ट वन इज पैरेलल स्ट्रक्चर विद नाउन्स एंड वर्ब्स. इसमें क्या है, तो सेम नाउन एंड वर्ब ऑन बोथ साइड ऑफ एंड. जब भी आप कहीं पे भी ऐसा फिलअप आता है जो एंड के आगे और पीछे दे रखा होता है, तो यू हैव टू पुट सेम फॉर्म ऑफ नाउन एंड वर्ब ऑन बोथ साइड. सो अभी सेम फॉर्म ऑफ नाउन एंड वर्ब का ये रहता है कि ये पैरेललिज्म, एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसमें सेम फॉर्म ऑफ नाउन एंड वर्ब्स ऑन बोथ साइड आता है. इसमें ये ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्चर है जो दो एलिमेंट्स को इकट्ठा लेके आता है इन अ सेंटेंस इन सेम फॉर्म में और सेम लेंथ में. एग्जाम्पल दे रखा है शी लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग पोइम्स. अभी एंड रीडिंग एंड राइटिंग सेम फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, प्लूरल उसके साथ आ गया बुक्स एंड पोइम्स, ये नाउन्स हैं इन प्लूरल फॉर्म. तो एंड के दोनों, अभी जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ फिलअप दे रखा होगा, आइदर पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, तो इसीलिए. इसके बाद पैरेललिज्म कैन मेक सेंटेंस क्लियर, ये इसको क्लियर रखता है, बैलेंस रखता है और इजिली अंडरस्टैंड हो जाता है. तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है इसका रिदम भी बना रहता है सेंटेंस का. अगर इनका वर्ड जो है एंड के दोनों तरफ, जरूरी नहीं वर्ब्स और नाउन्स, अगर कोई वर्ड भी ऐसा है जिसका सेंस सेम सेम जाता है, जैसे लव एंड पीस दोनों का सेंस सेम है पॉजिटिव वे में, तो हम ये नहीं बोलेंगे लव एंड फ्रस्ट्रेशन, लव एंड अग्रेसिव, तो दोनों ऑपोजिट हो गए. और आता तो वो दोनों डिफरेंट होते, बट अगर सेम एंड है तो सेम लगेगा. जैसे यहाँ पे बोला है पहले स्टेटमेंट, इनेबल स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. अभी एंड लग गया, सर्वाइव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द रिप्रोड्यूस भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोलोकेशंस बहुत पॉपुलर हैं, बट बहुत लंबी लिस्ट है कोलोकेशंस की, इट्स वेरी हार्ड टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम. पीटी ने भी ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर. बट मैं बोलूंगी कि कोलोकेशंस को याद रखना इज नॉट वेरी इजी टास्क. इसमें अगर आप जो प्रैक्टिस के दौरान जो आपके फ्रंट पे आ रहा है तो ट्राई टू उनको याद करने की कोशिश करो. इसमें क्या रहता है, दो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आते हैं जो इकट्ठे आते हैं, जैसे टेक आउट, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा. इसमें कोलोकेशन में वर्ब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ सकता है स्पीच का.
इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग कोलोकेशन क्या है, मेक ए डिसीजन, वी डोंट टेक अ डिसीजन, वी मेक अ डिसीजन इज अ मोर स्ट्रॉन्गर, हैवी रेन इज अ मोर स्ट्रॉन्ग वर्ड देन स्ट्रॉन्ग रेन, फास्ट स्लीप क्विक स्लीप, तो इसमें डिफरेंस है. कोलोकेशन आप प्रैक्टिस के दौरान थोड़े बहुत याद कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टोनेशन. इसमें क्या रहता है कि एक भी कोई भी सेंटेंस जिसमें जो वर्ड्स हैं मान लो सेम फॉर्म सिनोनिम्स दे देते हैं, उसमें यू शुड नो कि इस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड डालें. सॉरी. सो कॉन्टोनेशन मीन्स द मीनिंग बिहाइंड वर्ड्स. देर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्टोनेशन, पॉजिटिव होती है, न्यूट्रल होती है, नेगेटिव भी होती है. तो पॉजिटिव में जैसे रोज इज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, रोज इज अ मेंबर ऑफ दैट क्लब, रोज इज अ मेंबर ऑफ दैट गैंग, तीनों का मतलब अलग है. ग्रुप, क्लब एंड गैंग का सेम सेंस नहीं जाता, ठीक है. तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रुप है, बट अगर देखोगे तो ग्रुप जो होता है एक न्यूट्रल कॉन्टोनेशन है, गैंग एक नेगेटिव टर्म है, क्लब जो होता है वो मोर पॉजिटिव कॉन्टोनेशन. तो यू हैव टू सेंस इट द वर्ड कि इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, और पूरे सिचुएशन को एनालाइज करके ट्राई टू गिव आंसर. So, आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. सो आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं अगली वीडियो में कुछ और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगी आपके साथ. प्लीज बी इन टच विद अस, एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. गुड लक फॉर योर पीटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर अपडेट्स बाय करियर कोव्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.